जय हिंद साथियों, मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि नंबर सिस्टम की आपकी क्लासेस चला रही हूँ मैं, क्लास 6 तक मैंने आपकी क्लास ख़त्म कर दी है, फिनिश कर दी है। क्लास 7 आपकी स्टार्ट हो गई है, नंबर सिस्टम की मतलब संज्ञा पद्धति की एक आपकी क्लास 7 है। जो मैंने कल आपको टाइप 5 बताया था वो इस क्वेश्चंस के ऊपर था, तो मतलब आपके डाउट्स थे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपके डाउट ख़त्म हो जाएं। तो बस कुछ नहीं, क्या करना है आपको, आपको सिर्फ इतनी चीज़ देखनी है, सिर्फ इतना देखना है। जब आप इतना देख लोगे, सिर्फ इतना, पावर को आप अभी मत देखो, आपने इतना देखा, जब आपने इतना देखा अब आप ये देखिए, 97 बड़ी संख्या है ना और 96 छोटी संख्या है। 97 से 96 कितना कम है, एक ही तो कम है। अब भाई एक कम है, अगर नीचे की संख्या कोई बड़ी हो और ऊपर की छोटी हो तो वो संख्या आपकी माइनस में जाती है। ये चीज़ आज आप हमेशा याद कर लेना, ठीक है। जब आपको ये चीज़ भी पता लग गई, अगर यहाँ पे होता 95 तो हम, अब आप ऐसे कीजिए, 96 में से आपने 97 घटाया, 96 में से आपने 97 घटाया तो क्या आया, माइनस एक ही तो आया। अगर बाई चांस यहाँ होता 95 तो आप 96 में से 95 घटाइए तो कितना आ रहा है, एक। ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, मतलब नीचे की जो संख्या है बड़ी है आपकी, तो उसी अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, ठीक है। 95 तो आपको समझाने के लिए लिया था मैंने। अब माइनस एक की घात, अब आप ये लीजिए 132। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर पावर पावर आपकी ऑड है, पावर बोलते हैं इसे घात, ठीक है, पावर आपकी ऑड है और ये चीज़ आपकी माइनस में है, ठीक है, ये वाली चीज़ पावर आपकी ऑड है और ये वाली चीज़ आपकी माइनस में है, तो जो ये कंडीशन आएगी आपकी, ये माइनस में आएगी। अगर आपकी पावर इवन है, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम, तो पावर आपकी किस में आएगी, प्लस में। अब इसका भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे आपको माइनस एक की घात 132 दिया है ना, तो आप करोगे क्या, सम, पहले आपको विषम बताया है फिर आपको सम बताया है, ये मैंने माना है, ठीक है। जब मैंने आपको ये माना तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि एक चीज़ मैंने माइनस में एक की घात 3 ले ली, एक मैंने माइनस में एक की घात 2 ले ली। तो अब हम करेंगे क्या कि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और ये वाला रूल इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस ये वाला करती हूँ, माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक, गुणा में घात है माइनस माइनस, इसमें तो सॉरी कोई घात है ही नहीं, गुणा में माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक, और ये वाला माइनस ही तो बचा, तो माइनस एकम, तो ये आपका माइनस एक आ गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब हम करेंगे क्या कि बस कुछ नहीं, अब हम प्लस वाला देखते हैं। तो माइनस एक गुणा माइनस एक, दो घात हैं, तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका एक, सम वाले का प्लस में आ रहा है और विषम वाले का आपका माइनस में आ रहा है। अगर आपकी ये वाली कंडीशन माइनस में हो तो विषम में ये वाली कंडीशन आपकी माइनस में आती है। अब ये आप मुझे ये बताइए, 132 सम है विषम है, 132 आपकी सम है ना, तो माइनस एक की घात 132 है आपका, माइनस एक की घात 132 है, तो ये सम है, तो इसका आंसर आपका एक ही होगा। आप माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक 132 बार करेंगे तो वो चीज़ आपकी प्लस में ही आएगी। आपको ये चीज़ समझ आई, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे मैं ऊपर लिख लूँ, ठीक है, 67 की घात 67 प्लस 67 बट्टे, बट्टा क्यों लगाया ये भी आपको पता होगा, को 68 से भाग देने पर, मतलब हम इससे भाग दे रहे हैं इसको। अब आप मुझे ये बताइए, 67 माइनस 68 घटाइए तो माइनस एक ही तो बचा आपका, माइनस एक की घात 67 ये वाली प्लस, अब आप ऐसे ही इसमें से कर लीजिए, 67 में से 68 घटाया तो इधर भी तो माइनस एक बचा। अब ये चीज़ आपकी समझ आई आपको,
और आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जो आपका सेल्सफल होता है, जो आपका सेल्सफल होता है कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये आपकी विषम है और ये माइनस में है, तो ये चीज़ आपकी माइनस में आएगी। मैंने अभी आपको अगली क्लास में बताया था ना, सॉरी इसी क्लास में बताया था, अगला क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन 5, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितने हो गए, -2। अब मैंने अभी आपको ये भी बताया कि आपका जो सेल्सफल है कभी भी माइनस में नहीं आता, तो जो आपका ये 68 है, 68 जिससे आप भाग दे रहे हो, उसमें से 68 में से आप 2 घटा दो, तो आपका जो सेल्सफल है 66 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इधर कंडीशन माइनस तक निकल के आ रही है आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना कि जो आपके भाग में आप जिससे भाग दे रहे हो उससे उस संख्या को घटा दो, तो आपका शेषफल एकदम निकल आएगा, यही कहना चाहती हूँ मैं। दोस्तों अब हमारा टाइप 6 आ गया है। टाइप 6 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है इसमें, तो इस योग को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एक ये हमें दिया है कोई 1 2 3 प्लस डैश 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 प्लस एन, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है आप लिख लेना, तो कितना होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक आप लिख लेना, ठीक है, संख्याओं का जो योग है वो है आपका एन एन +1/2, मतलब लास्ट वाली कंडीशन एन, ये फॉर्मूला है एन एन +1/2, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेस आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये चीज़ हमें प्रथम, मतलब प्रथम वो चीज़ आपकी एक से स्टार्ट है तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, ये क्वेश्चन है आपका 1 2 3 डैश 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 +10, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो मैंने आपको क्या बताया, एन एन +1, एन की जगह आप क्या मान लो, प्रथम मतलब एक से स्टार्ट हो रही है ना, एन की जगह 10 हो गया, तो एन एन +1 एन की जगह 10/2, 10 ये संख्या गुणा में ना, 10 और 1 11 / 2, 2 5 10, 11 15 55, तो आपका आंसर कितना हो गया, 55। ये कंडीशन कब लगानी है आपको, जब प्रथम एन संख्याओं का योगफल पूछेगा, मतलब वो संख्या आपको 1 2 3 4 5 देगा, तब आपको ये कंडीशन लगानी है। अगर प्रथम नहीं दे, जैसे वो संख्या आपको 11 12 13 14 से दे दे, तो आपको ये वाली कंडीशन यहाँ यूज नहीं करनी, फिर आपको वो प्रथम संख्या बनानी है, फिर आपको ये कंडीशन यूज करनी है। अगर पेपरों में वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे प्रथम वाला, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा 1 2 3 4 10 10 10 49 50 49 48, मतलब एक संख्या बढ़ रही है, फिर यही संख्या प्लस में, ये संख्या घटते हुए क्रम में है, घटते एक संख्या आपकी बढ़ते हुए क्रम में, तो एक संख्या आपकी घटते हुए क्रम में। अब आप मुझे ये बताइए 49 तक तो 1 2 3 4 5 आपकी 49 तक तो ये आई, फिर 49 48 47, फिर 1 से लेके 49 तक यहाँ पर भी आई, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई, 1 से 49 तक आप देखिए इसे पूरी को, और आप यहाँ से भी 1 से 49 तक देख लीजिए। अब आपका जो बीच में बचा है 50, बस आपको कुछ नहीं करना, इस 50 का वर्ग कर देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिले, 50 का वर्ग कितना हो गया, 2500, तो बस आपका ये ही आंसर है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैंने प्रथम प्राकृतिक एन संख्याओं का जो योग बताया था उसी के अकॉर्डिंग अब आप इसमें देख पा रहे हैं, भाई यहाँ तो प्रथम से स्टार्ट नहीं हो रही, ये संख्या आपकी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, 11 12 13 से लेके 50 तक जा रही है, तब जाके आपको योग कह रहा है, तो मेरा फॉर्मूला इसमें कैसे लग सकता है।
अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है एन एन प्लस वन अपॉन टू है, तो बस कुछ नहीं इसमें नहीं लग रहा, तो हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे करेंगे, प्रथम से तो करना है ना, तो प्रथम के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक एक दो तीन मतलब एक से लेके 50 तक। अब इसमें हमने एक से लेके 10 तक फालतू लिया है ना, तब जाके आपका 11 12, अब एक से 10 तक आप यहाँ से घटा दीजिए, एक दो तीन डैश 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 10। क्या आपको ये चीज़ समझ आई, अगर आपको प्रथम से फॉर्मूला लगाना है तो आपको वो संख्या प्रथम से बनानी पड़ेगी, और जितनी भी एक्स्ट्रा संख्या आपने यहाँ से ली है उनको आप इधर जाके घटा दीजिए। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमें करना क्या है, अब हमारा फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, एन की जगह 50, एन एन प्लस वन 50 और एक 51 अपॉन टू माइनस। अब ऐसे ही आपको यहाँ करना है, एन एन प्लस वन अपॉन टू 10, 10 और एक 11 बट्टे 2। समझ आया आपको, अब आपको कुछ नहीं करना, बस काट पीट कर दो, दो कॉमन मतलब अगर आप डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट लो, मैं तो ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। 5 0 5 25 माइनस 110, तो मैं इसमें से इसे घटाऊंगी, 0 4 4, ठीक है, 0 4 4 2 बट्टे 2, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1220, मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि अगर कोई भी चीज़ हमें प्रथम से नहीं दी गई हो और हमें उसका योगफल पूछ रहा हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस वो संख्या प्रथम से बना लेनी होती है, और जो भी अंक उसमें फालतू के होते हैं जैसे एक से लेके 10 तक हमने खुद से ही तो जोड़े, खुद से ही तो ऐड किए, तो वो जो फालतू अंक होते हैं उन्हें हम घटा देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रथम से संख्या भी बन जाती है। अब आप जोड़ने को तो 11 12 सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ोगे तब जाके आपके कितने कितना योग बनेगा इसका, 1220, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। इस बार वर्दी पाकर रहेंगे, ये कसम बस मेरे साथ खा लो, आप मेहनत करो मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी, ये वचन तुम आज खा लो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मेहनत कीजिए हम मेहनत करेंगे, जो चीज़ आपको समझना है आप मुझे कमेंट सेशन में कीजिएगा। और कुछ लोग मुझे मतलब कमेंट सेशन में बोल रहे थे कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे जो टेलीग्राम में ना टेलीग्राम पे आप मुझे स्पेशल मैसेज कीजिए, मैं आंसर करूँगी आपको, उस क्वेश्चन को देखूंगी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी आपको, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको मेरी क्लास समझ आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।